नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ 9। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का असर बिहार में भी दिख रहा है। अब तारीखों की घोषणा के बाद सारे दलों की सक्रियता बढ़ गई है, तैयारी और दावेदारी का अंतिम चरण में प्रवेश हो गया है और मोहरे सजाए जाने लगे हैं। जनता दल यूनाइटेड की आस भारतीय जनता पार्टी पर टिकी है, वहीं मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी पहले से ही यूपी में कार्यालय खोलकर सक्रिय है। इसका असर बिहार में बीजेपी के साथ वीआईपी के गठबंधन की राजनीति पर भी पड़ रहा है। आपको बता दें कि इधर जीतन राम मांझी भी सक्रिय हो गए हैं और मांझी और मुकेश सहनी की कई राउंड की बैठक हो चुकी है। चिराग पासवान भी बिहार से बाहर मौके की तलाश में जुटे हुए हैं और इधर लालू प्रसाद यादव रिश्तेदारी निभाने जा रहे हैं। उनके उत्तराधिकारी जो तेजस्वी यादव है, उनके बिना शर्त समाजवादी पार्टी को समर्थन देने की घोषणा भी कर दी है और सबसे पहले बिहार में सत्तारूढ़ दो बड़े दल बीजेपी और जेडीयू की बात। दोनों में अभी कुछ भी साफ नहीं है। जेडीयू की उम्मीद भरी निगाहें लगी हुई है और एक केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का दावा है कि बीजेपी से सकारात्मक बातचीत चल रही है। हालांकि अब दोनों दलों के पास ज़्यादा समय नहीं है। वहीं मुकेश सहनी अति सक्रियता दिखा रहे हैं, मलाहों की आबादी वाली 165 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। अति पिछड़ों को एकजुट करने के बहाने वे बीजेपी पर दबाव बनाने में जुटे हुए हैं और कामयाब होते नहीं दिख रहे हैं, उल्टा असर ही हुआ है। इसी बीच बिहार में उनके कुल चार में से एक विधायक के असमय निधन के कारण बोचहा सीट खाली हो गई है, जिसे बीजेपी देने के मूड में नहीं है। वहीं बीजेपी सांसद अजय निषाद ने गठबंधन की परवाह किए बिना अपनों के लिए दावेदारी बढ़ा दी है। इधर रिश्ता बेहद तल्ख हो चुका है और अंजाम की प्रतीक्षा में है। बीजेपी से खटपट बढ़ता देख मुकेश सहनी ने जीतन राम मांझी का भी सहारा लेने का प्रयास किया है। चूंकि बिहार की राजनीति अपने आप में एक रोचक होती है और उत्तर प्रदेश की चुनाव की घोषणा के साथ भी यहां पर राजनीति गहराती जा रही है। आपको बता दें कि तमाम पार्टियां अपने अपने स्तर से अपनी जुगत लगाने में बढ़ी हुई है। जदयू से लेकर के आरजेडी और तमाम छोटी बड़ी पार्टियां भी अपने दाव ठोकने में पीछे नहीं रह रही है। अब देखना ये होगा कि बिहार के इन राजनीतिक पार्टियों का भविष्य उत्तर प्रदेश में क्या बनता है और क्या नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव देश का चुनाव कहा जाता है। बिहार और उत्तर प्रदेश की जो चुनावी राजनीति है उसका रंग अलग ही खिलता है। तो ऐसे तमाम खबरों को हम लेकर के आते रहेंगे। आप बने रहिए बिग न्यूज़ 9 के साथ। नमस्कार।